टेलीफोन कार। एक गांव में हेमंत नाम का एक लड़का रहता था। हेमंत का पिता हमेशा यही चाहता था कि वो हेमंत को उज्जवल भविष्य दे सके। इसीलिए हेमंत का पिता दुबई जाकर वहाँ एक वेल्डर का काम करता था और जो पैसा कमाता था वो सारा ही पैसा अपने बेटे हेमंत के लिए भेजा करता था। जितनी मेहनत हेमंत का पिता करता था उतनी ही मेहनत और लगन से हेमंत भी पढ़ाई करता था। हेमंत बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी पढ़ाई पूरी करता है। जिस गांव में हेमंत रहता था उस गांव में कोई टेलीफोन या फिर कोई बूथ नहीं रहता था। हेमंत को अपने पिता से बात करने के लिए पड़ोस वाले गांव जाना पड़ता था क्योंकि उनके गांव में फोन करने का कोई मौका नहीं रहता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन हेमंत को ये बात पता चली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। फिर वो अपने पिता को फोन करके ये कहता है कि वो जल्द से जल्द गांव वापस आ जाए। अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी हेमंत लेना चाहता है और ये भी कहता है कि उसके पिता को घर वापस आने के बाद सिर्फ आराम करना है। जैसे तैसे करके वो अपने पिता को इस बात पे मना लेता है और शहर जाकर काम की तलाश में लग जाता है। इसी तरह एक दिन हेमंत एक इंटरव्यू के लिए जाता है। हेमंत, do you have any work experience before? जी नहीं सर, ये मेरी पहली जॉब है। मिस्टर हेमंत, can you speak in English with me? Sir, that I am speak English this job first time. Okay, Hemant, I can understand that speaking in English is a difficult thing for you. I'm pretty much impressed with your marks, which you have scored. But the problem is, this job's basic requirement was to communicate in English with your colleagues every day. I'm sorry to say this, Hemant, I cannot offer a job for you right now. Manager ki kahi baatein sunkar हेमंत बहुत ही निराश हो जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जाते समय किसी की बातें सुनता है। अरे भैया सुनो, तुमने कहा था कि मैनेजर साहब को 2,00,000 रुपया दोगे, जल्दी से वो पैसा लाकर मैनेजर साहब को दे दो वरना बहुत सारे लोग आएंगे काम के लिए, अगर जल्दी नहीं करोगे तो ये काम किसी दूसरे को दे देंगे मैनेजर साहब। उन लोगों की बातें सुनकर हेमंत को ये समझ आ गया था कि चाहे कितनी भी मेहनत करके क्यों न पढ़ाई कर ली हो लेकिन नौकरी तो उसी को मिलेगी जो रिश्वत देगा। हेमंत ये समझता था कि उसकी पढ़ाई और उसके मार्क्स को देखकर उसे कहीं न कहीं एक अच्छे से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हेमंत को कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर भी हमेशा हेमंत यही सोचता रहता था कि किसी भी तरह उसे काम करना है और पैसा कमाना ही है क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब हेमंत ने अपने सर ले ली थी क्योंकि वो अपने पिता की पूरी मन से सहायता करना चाहता था। जब हेमंत बहुत छोटा सा था तभी हेमंत की माँ भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन हेमंत के पिता ने हेमंत को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ही होने नहीं दी थी। इसीलिए वो ये चाहता था कि वो उसके पिता की सहायता करके ही रहेगा। फिर हेमंत ने और बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हेमंत को कहीं कोई नौकरी नहीं मिली थी। फिर हेमंत को ये पता चल गया था कि अब उसे कहीं भी कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है और वो बेचारा हार कर अपने गाँव वापस लौट जाता है और घर वापस लौट कर ये सोचने लगा कि क्या करे जिससे पैसा कमा सके। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए थे। फिर हेमंत को ये खबर मिली कि 2 दिन में हेमंत का पिता गांव वापस आने वाला है। फिर हेमंत ने ये सोचा कि वो पड़ोस के गांव जाकर अपने पिता को फोन करेगा और ये सारी बात बताएगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया था। उसे ये बात याद आई थी कि विदेश में रहने वाले लोग हो या फिर दोस्त हो, किसी को भी फोन बात करने के लिए उनके गांव वालों को दूसरे गांव जाना पड़ता था।
फिर उसने सोचा कि वो खुद अपना एक एसटीडी सर्विस स्टार्ट करेगा जिससे बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। हेमंत का पिता जो पैसे उसकी पढ़ाई के लिए भेजता था, उन पैसों में से हेमंत कुछ पैसा बचत भी किया करता था, जिससे उसके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। उन पैसों से हेमंत एक टेलीफोन की तरह दिखने वाली एक कार बनवाता है और शहर जाकर एक फोन कंपनी से वायरलेस फोन खरीदता है और उसको अपनी कार में लगवा लेता है। वापस गांव जाकर वो अलग अलग जगह बदल कर अपनी गाड़ी को रोका करता था। अरे बेटा, जब भी मैं मेरे बेटे से बात करना चाहती थी, हर बार मुझे दूसरे गांव जाना पड़ता था। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती बेटा, जिसकी वजह से मैं इतना दूर चल भी नहीं पाती थी। लेकिन हमेशा इसी बात से दुख होता था बेटा कि मैं मेरे बेटे से बात नहीं कर पाती थी। महीने में बस एक ही बार उसे फोन किया करती थी मैं। लेकिन अब तुम्हारी टेलीफोन कार की वजह से हफ्ते में एक बार अपने घर बैठे ही बात कर पा रही हूँ। भगवान ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही भेजा होगा बेटा। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि तुम बहुत आगे बढ़ो बेटा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चले। इस तरह बहुत कम समय में ही हेमंत बहुत अच्छा नाम और बहुत ही अच्छा काम भी कमा लेता है और फिर अपने पिता का एक बड़े से अस्पताल में इलाज भी करवाता है। हेमंत बहुत ही मेहनती लड़का था, पूरे मन और लगन से अपना काम करता था, जिससे वो बहुत आगे बढ़ गया था। उनके गांव की तरह आसपास के छोटे छोटे गांव में भी उसने अपनी टेलीफोन सर्विस स्टार्ट कर दी थी। फिर कुछ ही दिनों में उसने खुद ही एक टेलीफोन कंपनी बनवा ली थी और जिस गांव में या फिर जिस घर में टेलीफोन की समस्या होती थी, उनको बहुत कम पैसों में ही टेलीफोन का कनेक्शन दिया करता था। हेमंत की अच्छाई और उसकी कामयाबी बहुत से गरीब लोगों के काम आई थी, क्योंकि हेमंत ने बहुत सारे लोगों को काम भी दिलवाया था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।